हल्द्वानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। अतिक्रमण के नाम पर पहाड़ के लोगों को उजाड़ने का आरोप लगाते हुए हरीश रावत ने कहा कि वन पंचायत के अधिकारों में भी वन विभाग द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है और हाईकोर्ट में सरकार लोगों का सही पक्ष भी नहीं रख पा रही है और यही वजह है कि अब लोगों के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपील करते हुए कहा कि तत्काल चिन्हीकरण रोक दिया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों को अतिक्रमण से राहत दिलाई जाए, नहीं तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। वहीं बागेश्वर उपचुनाव में प्रचार कर लौटे हरीश रावत ने यह भी कहा कि कांग्रेस भारी अंतर में इस उपचुनाव को जीत रही है और भाजपा सरकारी मशीनरी और सत्ता का पूरी तरह दुरुपयोग में जुटी हुई है। ध्यान नहीं दे रही, ना पक्ष रख पा रही है, लोग बेघर हो रहे हैं और वन पंचायतों की माननीय हाईकोर्ट ने एक व्यापक परिपेक्ष में आदेश दिया है। राज्य सरकार को चाहिए था कि जिन जिन चीज़ों का जो चिन्हीकरण हो रहा है, जो चिन्हीकरण आज आतंक का पर्याय बन गया है और वो गहराई से जो इस तरीके की संपत्तियों की और इस तरीके के तथाकथित अतिक्रमणों की जांच करते उनका वर्गीकरण करके माननीय हाईकोर्ट के सामने पूरी तथ्य लेकर के जाते। और मेरी तो मांग है माननीय मुख्यमंत्री से कि तत्काल चिन्हीकरण का ये अभियान रोका जाए। इससे आतंक फैल रहा है, इससे डराया जा रहा है, लाल चिन्ह लगाने के नाम पर लोगों को लूटा भी जा रहा है। जिस तरीके से कई जगहों प्राधिकरणों में रेरा का नाम लेकर के जिस प्रकार से आतंक का वातावरण बनाया जा रहा है, मैं इस तरीके के आतंक का विरोध करता हूँ। ये प्राधिकरण भी आतंक के पर्याय बन गए हैं और अब कोड में खाज का काम जो है वो ये तथाकथित चिन्हीकरण कर रहा है। ठीक, थैंक यू। पैसा बट रहा है कि मैं बहुत आभारी हूँ बागेश्वर की जनता जनार्दन का, सरकार के धन बल, पशु बल, सत्ता बल, साधन बल के खुले दुरुपयोग के बावजूद लोगों को धमकाने डराने की कार्रवाई, खुल करके धन बांटने के बावजूद भी बागेश्वर की जनता परिवर्तन के लिए वोट कर रही है, कांग्रेस को विजयी बना रही है। बसंत के प्यार में बसंत को वोट दे करके कांग्रेस के आंगन में भी बसंत खिला रही है, फूल खिला रही है। सरकारी गाड़ियों में शराब बढ़ रही है आपने कहा? निश्चित तौर पर सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है जिनके जरिए न केवल शराब जा रही है बल्कि जो है गाड़ियों के माध्यम से पैसा भी जा रहा है। और कल पूरे बागेश्वर में इस बात की चर्चा थी कि एक अति महत्वपूर्ण व्यक्ति के कारवां में एक ऐसी गाड़ी थी जिसमें 35 लाख रुपया जो है दिखा गया और ऑब्जर्वर ने भी उस गाड़ी को इंगित किया लेकिन पुलिस उसको भगा करके ले गई। विजिलेंस की छापेमारी हो